दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तो दुगने दाम वसूल रहा चीन, हरियाणा सरकार ने रद्द किया 1,00,000 रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का असर देश में बढ़ता जा रहा है और इस बीच चीन से आई रैपिड टेस्ट किट की भी बड़ी चिंता बन गई है। बता दें कि कई राज्य सरकारों ने इसकी क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं, तो अब हरियाणा सरकार ने इसके दामों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा ने चीनी कंपनी को दिए 1,00,000 रैपिड किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है और अब इसे साउथ कोरिया की कंपनी से लेने का फैसला लिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार में सूत्रों की माने तो चीन से जो रैपिड टेस्ट किट ली जा रही थी उसकी कीमत 780 रुपए प्रति किट पड़ रही थी, लेकिन ये कीमत हरियाणा के ही मानेसर में मौजूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांच से लगभग दोगुनी है। साउथ कोरियाई कंपनी सिर्फ 380 रुपए प्रति किट के हिसाब से दे रही है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच फेसबुक का बड़ा दांव, जियो में निवेश करेगा 43,574 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और भारत के रिलायंस जियो में बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,000 करोड़ से अधिक के निवेश का ऐलान किया है। बता दें कि डील होने के बाद फेसबुक की रिलायंस जियो में हिस्सेदारी करीब 10% की हो जाएगी। इसी के साथ रिलायंस जियो में फेसबुक सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बन जाएगा। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रैपिड टेस्ट किट की शिकायत पर चीन की सफाई, मामला गंभीर, करेंगे भारत की मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाने के बाद रोक लगाई गई है। बता दें कि कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवालों पर चीन की ओर से सफाई आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और आवश्यक मदद की जाएगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने की डॉक्टरों से बात, सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों से बात की और उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। बता दें कि इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ बातचीत की। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रतीकात्मक विरोध ना करें। सरकार उनके साथ है। बता दें कि केंद्र सरकार को रैपिड टेस्ट पर 2 दिन का ब्रेक इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके नतीजों पर सवाल उठा दिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 168 कोरोना मरीजों का रैपिड टेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 5% मरीज ही टेस्ट में पॉजिटिव मिले। इसके बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में रैपिड टेस्ट कराने पर रोक लगा दी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।